सभी साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम आपको बिल्कुल न्यू अपडेट देने जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। जो कार्य हसनगढ़ शमशाना रोड है उससे लेकर और 334 बी ये सामने जो है हसनगढ़ से शमशाना रोड है और इधर देखेंगे तो ये सामने उधर वो 334 भी है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक मुर्गी फार्म के कारण काम रुका हुआ था और यहाँ पर मुर्गी फार्म को हटाने के बाद यहाँ पर मिट्टी का वर्क कंप्लीट करने के बाद जीएसपी का वर्क और साथ के साथ डब्ल्यूएमएम का वर्क करने के बाद तुरंत ही यहाँ पर डामर का वर्क स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ जो नालियाँ हैं नालियों का वर्क भी स्टार्ट साथ के साथ ये भी हो रहा है और डामर का जो वर्क है वो डामर का वर्क भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये इधर देखेंगे तो ये फर्स्ट लेयर है और इसके पीछे देखेंगे आप तो ये सेकंड लेयर का वर्क जो है वो चल रहा है। ये देखियो साथियों ये जो है ये फर्स्ट लेयर है और इस साइड जो अभी ये वर्क स्टार्ट हो रहा है ये साथ के साथ सेकंड लेयर का वर्क स्टार्ट हो चुका है। मेरे अधिकारियों से बात हुई जल्द ही यहाँ पर तीन लेयर का भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तीन लेयर का वर्क करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जब तक कम से कम भी 10 से 12 किलोमीटर का जो रोड है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक चौथी लेयर या फाइनल लेयर का वर्क नहीं होता। फाइनल लेयर का वर्क तभी होता है जब बीच में कोई भी अड़चन नहीं होती, तो बीच में जो जितने फ्लाईओवर हैं उन फ्लाईओवरों पे अभी काम चल रहा है तो जल्द ही उनको पूरा करने के बाद ये 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है 334 बी से लेकर और ये लगभग कंसाड़ा के आसपास का वर्क तीन लेयर का हो चुका है और इस पर जल्द ही चौथी लेयर का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ये एरिया एवरेज लगभग 16 किलोमीटर का बैठेगा तो वहाँ भी गटर का कार्य शुरू हो चुका है और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था भाई 334 बी के ऊपर जो गटर का वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।